एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई बहुत करनी है, तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी। आए दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन इज एस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हैड 4 मार्क्स विन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स विन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन एस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक आपका स्टूडेंट है को यस, उसके एक टेस्ट में आपके 40 मार्क्स आए। ठीक है, इस टेस्ट में आपके, आप अगर एक कोई राइट क्वेश्चन करते हो उसके आपके 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और अगर आप एक कोई रॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो उसके आपको 1 मार्क्स मिलेगा, वो भी आपका माइनस में, मतलब वो आपका मार्क्स क्या है, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो, अगर आपका क्वेश्चन राइट है, आपका आंसर राइट है तो आपको उसके 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, आफ्टर स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए या आफ्टर कॉलेज आप जॉब के लिए जब एग्जाम देते हैं उसमें आपके इसी टाइप के एग्जाम होते हैं नेगेटिव मार्किंग वाले, उसमें आपका होता क्या है, एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, उसमें अगर आप राइट क्वेश्चन का आंसर राइट होता है, आपका अटेम्प्ट राइट होता है तो आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी आपको उसमें फिक्स है वो आपको मिलेगा, और अगर आपका आंसर जो आपने अटेम्प्ट किया है अगर आपका वो रॉन्ग है तो उसमें आपको जो है निगेटिव मार्किंग मिलती है, वो आपका माइनस 1 मार्क्स हो सकता है या माइनस हाफ मार्क्स, माइनस 1/3 मार्क्स, माइनस 2 मार्क्स, जैसे भी उसमें आपका फिक्स हो। ठीक है, तो ऐसे इसमें आपका फिक्स है कि आपको राइट क्वेश्चन के लिए आपको आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल आपका जो है कैलकुलेट किया जाएगा। सेम अगर आपके राइट आंसर के लिए सेम आपका वही टेस्ट पेपर है या स्काई, अगर उसी टेस्ट पेपर में आपको राइट आंसर के लिए करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते, ठीक है, और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होते, तब जो आपका इसका टोटल स्कोर होता है वो 50 मार्क्स होता। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है कि जो क्वेश्चन पेपर था उसमें टोटल क्वेश्चन क्या थे। अब टोटल क्वेश्चन उसमें आपके जो होंगे उसमें से कुछ रॉन्ग अटेम्प्ट होंगे और कुछ राइट अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, तो अगर हम रॉन्ग और राइट, करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन को फाइंड कर ले और उनको हम ऐड कर दें तो हमें टोटल फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें एक साथ डू है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइंड नहीं कर सकते, हम इसमें क्या करेंगे, राइट एंड रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन को फाइंड करेंगे और उन दोनों को एड करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हम इजी से एग्जांपल से इसे थोड़ा समझेंगे। सपोज कीजिए एक कोई टेस्ट है उसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड अगर आपका क्वेश्चन राइट है, ठीक है, तो आपको दिए जाएंगे 3 मार्क्स, अगर आपका रॉन्ग है तो आपको दिए जाएंगे 1 मार्क्स। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट ने 6 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किए, उसके 6 राइट है और रिमेनिंग आपके कितने बचे, 4 क्वेश्चन उसके रॉन्ग है, अब उसके मार्क्स कितने आएंगे टोटल। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 क्वेश्चन का आपको राइट के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, तो आपके 6 हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 × 6, जैसे आपका 1 के लिए 3 है, 2 के लिए 2 × 3, 3 के लिए 3 × 3 9 मार्क्स, 4 के लिए 4 × 3 12 मार्क्स, ऐसे 6 के लिए 6 × 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 6 × 3 ये आपका हो गया राइट के लिए। ठीक है, और रॉन्ग के लिए आपको 1 क्वेश्चन का 1 है, 2 क्वेश्चन का तो 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 आप अगर तो मतलब क्या हो गया, 1 × 4 4 × 1। ठीक है, अब आपको टोटल फाइंड करना है कि आपके टोटल मार्क्स कितने आएंगे, तो 6 × 3 = 18 तो आपके मार्क्स हो गए जो आपने अटेम्प्ट किए हैं जो आपके राइट हैं,
और 4 मार्क्स हो गए जो आपके रॉन्ग है। अब आपका जो टोटल मार्क्स की कैलकुलेशन होगी जो आप स्कोर करेंगे वो आप राइट में से जो आपने रॉन्ग किए वो आपको माइनस हो जाएंगे, ये आपके पॉजिटिव में या आपके नेगेटिव में है, ठीक है। तो आपके जो टोटल मार्क्स आप स्कोर करेंगे वो इसमें से इसको डिडक्ट करने के बाद जो आएगा वो आपके होंगे। तो 18 में से 4 जाएगा आपके कितने बचे 14, तो आपके कितने मार्क्स आएंगे 14 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आपने कैसे किया, आपने ये किया 6 × 3 − 4 × 1, ठीक है। अब सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 10 ही है, मैंने चेंज किया कि आपके जो रिवार्ड है वो आपका गलत है, जैसे वैसे जो आपके मार्क्स हैं वो आपके चेंज है, ठीक है। तो राइट के लिए आपको गिवन है, आपको दिए जा रहे हैं 4 मार्क्स, और रॉन्ग के लिए अब आपको दिए जा रहे हैं 2 मार्क्स। अब आपका क्या होगा, अब मैं इस तरह से फाइंड कर रहा हूं, राइट के लिए आपको 6 आपके राइट है तो 6 × 4 हो जाएगा, और हम माइनस कर देंगे अपने रॉन्ग वाले 2 × 4, ठीक है। 6 × 4 = 24 − 2 × 4 = 8, अब आपके कितने मार्क्स आएंगे 16, सॉरी 24 में से 8 जाएगा 16, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। तो आपके टोटल मार्क्स कितने आएंगे 16। अब सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में मुझे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं पता कि 10 है, मुझे नहीं पता कि टोटल नंबर क्वेश्चन 10 है और हमने 6 और 4 अटेम्प्ट किए, तो मुझे 6 भी नहीं पता, ये 4 भी नहीं पता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको अननोन है उसे आप कुछ मान लेंगे, तो इस 6 की जगह मान लिया मैंने कोई एक्स है, ठीक है, और ये आपका है 3 माइनस सेम इस 4 की जगह भी मैंने कोई वेरिएबल मान ली, वो आपका बाई इंटू 1, सेम इसमें एक्स इंटू 4 माइनस 2 इंटू बाई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3x − y और ये आपका हो जाएगा 4x − 2y। अब इसको सॉल्व करने पर आपके क्या आ रहा था, टोटल मार्क्स आ रहे थे जो आपने स्कोर किए हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, आपने एक्स क्वेश्चन तो राइट अटेम्प्ट किए हैं और 1 के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जा रहा है, तो आपके टोटल कितने होंगे राइट के लिए 3x, और आपको बाई मतलब 1 क्वेश्चन के लिए आपको सॉरी ये आपका हो गया, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई में 1 है वो आपका आपको यहां पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो आपको उसकी वजह से चला गया। तो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मार्क्स आपका गिवन है एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आपका ये बाई है तो टोटल क्या हो गया बाई इंटू 1, वो आपका बाई रह गया, और आपने टोटल राइट में से टोटल रॉन्ग को माइनस किया, तो आपका क्या हो जाएगा टोटल मार्क्स आ जाएगा जो आप स्कोर करेंगे, और यहां आपने कितना स्कोर किया था वो आपने स्कोर किया था 14, तो ये आपके 14 के इक्वल हो जाएगा। सेम इसमें ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स क्वेश्चन आपने राइट अटेम्प्ट किए, 1 के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल आपके लिए 4 × x, ठीक है, 4x मार्क्स मिलेंगे, ये आपके होगा राइट, जैसे इसमें आपका 24 आया था। सेम आपने बाई रॉन्ग अटेम्प्ट किए, 1 के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो बाई क्वेश्चन के लिए आपको 2 × 2y − 2y मार्क्स दिए जाएंगे निगेटिव में, ये आपके टोटल फाइंड करने के लिए राइट वाले में से रॉन्ग वाले हम क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे, उसके बाद आपको टोटल पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, वो आपके कितने आ रहे थे 16, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 4x − 2y = 16, ठीक है। तो ये आपके देखिए 2 इक्वेशन बन गए, ठीक है। सेम इसी टाइप से हमें जो गिविन क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है, उसमें भी आपका सेम है 3 मार्क्स तो राइट के लिए, 1 मार्क्स रॉन्ग के लिए, 4 मार्क्स राइट के लिए, फिर 2 मार्क्स रॉन्ग के लिए, बस आपका ये चेंज है जो आपने स्कोर किया है वो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहला काम होता है जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है उसे एज्यूम करना, तो इसमें आपका जो पूछा है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा है, तो टोटल ऑफ
नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आपका ओनली वन चीज हो गई, तो उसमें आपके ओनली एक्स आएगा, वाई आएगा या और कोई वेरिएबल आएगा, आपके टू वेरिएबल्स नहीं आएंगे। और क्वेश्चन जो आपका गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप एक साथ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को फाइंड कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका करेक्ट क्वेश्चन ऑफ नंबर्स फाइंड करेंगे और इनकरेक्ट क्वेश्चन ऑफ नंबर्स फाइंड करेंगे। और जब आप दोनों को ऐड कर दोगे, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट या रॉन्ग प्लस राइट, तो आपके हमें टोटल फाइंड हो जाएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा इसमें काम क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अज्यूम ना करना, बल्कि राइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस और रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अज्यूम करना, ठीक है। तो हम वही काम करेंगे, तो लिखेंगे लेट करेक्ट नंबर ऑफ आंसर्स, वो मैंने मान लिया आपके एक्स है, ठीक है। एंड इनकरेक्ट, आप रॉन्ग राइट भी लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ आंसर्स वो आपके कितने बाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कंडीशन गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट आपकी गिवन है कि आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे ईच राइट क्वेश्चन के लिए, तो आपके करेक्ट या राइट है एक्स, तो 1 आपका दिया जाएगा, 1 के लिए आपको 3 दिया जाएगा, तो 2 के लिए आपका 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 के लिए आपका 3 इंटू 3, 9, 4 के लिए आपका 4 इंटू 3, 3, तो ऐसे एक्स के लिए आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, मतलब 3x, ठीक है। 1 के लिए 3, एक्स है तो 3 इंटू एक्स, 3x। इसमें से आप क्या करेंगे, तो आपका राइट वाला हो गया करेक्ट, इसमें से आप रॉन्ग वाला माइनस कर देंगे, और 1 के लिए जो आपको रॉन्ग के लिए गिवन है वो है 1, ठीक है। 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 रिवार्ड किया जाएगा माइनस में, ठीक है। और वाई के लिए आपको कितना हो जाएगा, वाई इंटू 1, तो वो आपका वाई हो जाएगा, वाई। या आपका क्या होगा, टोटल राइट में से आपने टोटल रॉन्ग को माइनस किया, तो आपने जो स्कोर किया वो आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है कि आपने स्कोर किया है इसने 40 मार्क्स, ये आपको 40 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसे मैंने क्वेश्चन 1 से नॉमिनेट किया। अब सेकंड देखते हैं क्या कंडीशन गिवन है। अब आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सेम है, सेम रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं, सेम राइट अटेम्प्ट किए हैं, बस आपका जो पर क्वेश्चन रिवार्ड है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब राइट के लिए आपको 4 गिवन है, तो एक्स है तो 4x हो जाएगा, और रॉन्ग के लिए आपको 2 मार्क्स गिवेन है, ठीक है। तो बाई है तो 2y हो जाएगा, ठीक है। वन का 2 है तो बाई का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2 इंटू y। और टोटल राइट में से आप रॉन्ग माइनस कर देंगे, आपको टोटल आपने जो स्कोर किया वो पता चल जाएगा, वो आपका कितना होगा, 50 मार्क्स गिवेन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपके रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल राइट, या आपके रॉन्ग, राइट में से रॉन्ग को डिडक्ट किया आपके तब स्कोर आएगा, वो आपका 50 मार्क्स गिवेन है। इसे मैंने क्वेश्चन सेकंड से नॉमिनेट किया। अब आप इन टू क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। मैं से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, आप चाहे तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगता हो। अब हम देखते हैं इसमें क्या एलिमिनेट करें जो हमें इजी रहे। अगर आप एक्स को एलिमिनेट करोगे तो एक्स का कोएफिशिएंट इसमें 3, इसमें 4, इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आपका 12 होगा, ठीक है। इसमें 12 करने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से। अगर आप बाय को एलिमिनेट करोगे तो इसमें बाय का कोएफिशिएंट 1, इसमें 2, 1 और 2 का एलसीएम 2, इसमें ऑलरेडी 2 है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको जो है 1 से मल्टीप्लाई, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स को एलिमिनेट मैं नहीं कर रहा, क्योंकि एक्स के लिए मुझे थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं आपको बाय को एलिमिनेट करूंगा। आप चाहें तो एक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन फर्स्ट में बाय को एलिमिनेट करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा 2 इक्वेशन 1, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इक्वेशन 1 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 2 में कुछ भी नहीं करेंगे, तो मैंने एज इट इज लिख दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 3 6x - 2y = 4 2 80, ठीक है। और 2 में कुछ भी नहीं किया, वो मैंने एज इट इज कॉपी कर दी, 4x - 2y
इक्वल टू 50। ठीक है, अब आप देखिए ये भी आपका माइनस का, ये भी आपका माइनस का, सेम साइन है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे मैंने माइनस का साइन इंक्लूड कर दिया। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसने फर्स्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें से सेकंड को माइनस किया है। ठीक है, अगर आप माइनस करेंगे तो आपकी सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है, तो इसके जो भी आपके टर्म्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम, प्लस 6x से माइनस 4x आपका जाएगा तो बचेगा प्लस का 2x, माइनस 2y प्लस 2y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया, जीरो आ जाएगा, यहां पे हम लिखेंगे नहीं। 80 माइनस 50 30 बचा। अब मुझे तो x फाइंड करना है ना, तो यहां पे जो आपका 2x एक्स्ट्रा है ये मैं यहां से भगा दूंगा। ये जब यहां से भागेगा तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, 30 × 2 2 × 1 = 5, तो आपका x इक्वल टू आ गया 15। इट मींस जो आपने करेक्ट नंबर ऑफ आंसर्स हैं वो आप कितने हैं, 15 है। ठीक है, अब x की इस वैल्यू को आप किसी भी वन इक्वेशन में पुट कीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, हम उसमें पुट करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन इजी रहेगी। ठीक है, अगर आप सेकंड में पुट करेंगे तो उसमें 4 है, उसमें 2 है मल्टीप्लाई में, आपका 50 है, और आप वन में पुट करेंगे तो यहाँ 3 है, छोटे डिजिट है, और बाई में तो कुछ है भी नहीं मल्टीप्लाई में, आपकी ये भी छोटे डिजिट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वन में पुट करेंगे, उससे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो वहां जाके आपको डिवाइड वाली कैलकुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो सेकंड में पुट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 3 एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 15 माइनस y इक्वल टू 40। ठीक है, 3 × 15 से आपका हो जाएगा 15 × 3 = 45 और माइनस y इक्वल टू 40। अब मुझे y फाइंड करना है, तो जो भी फालतू है वो मैं यहां से हटा दूंगा, एक्स्ट्रा जो भी है, तो यहां पे 45 एक्स्ट्रा है, यहां से हटेगा, तो ये प्लस है, इधर पहुंचेगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y इक्वल टू 40 और ये प्लस है माइनस हो जाएगा 45। ठीक है, 40 में से 45 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, माइनस y इक्वल टू माइनस से माइनस सही हो गया, y इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इनकरेक्ट है वो आपके 5 है। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू आपके कितना हुआ, 15 + 5, ऐड कर दिए दोनों को, तो आपके टोटल आ जाएंगे कितना हो गया आपका 20। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो आपका सही है या नहीं। 20 में से आपने राइट अटेम्प्ट किए हैं 15, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 15 आपके हैं टोटल, तो 15 × 3 ये तो आपके हो गए जो आपको राइट के लिए मिले हैं, माइनस कर देंगे जो आपके रॉन्ग के लिए मिलेंगे। वन के लिए आपको कितना है, 1 है, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5, तो 45 − 5 = 40। तो फर्स्ट के लिए तो ठीक आ गया, सेकंड के लिए चेक करते हैं, 15 आपने राइट किए हैं, 1 के लिए 4 है, तो 15 × 4 माइनस करेंगे, 2 है आपका 1 क्वेश्चन के लिए, 2 × 5 हो जाएगा 5 क्वेश्चन के लिए, तो 15 × 4 = 60 और ये 10, 50 मार्क्स आएंगे आपके टोटल, तो ये भी आपका ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है।